झारखंड में 49 नगर निकाय के चुनाव लंबित हैं। ट्रिपल टेस्ट के अभाव में निकाय चुनाव टलता जाता रहा है। ट्रिपल टेस्ट के जरिए निकाय चुनाव से पहले ओबीसी का आरक्षण तय किया जाना है। नगर विकास विभाग ने भी पिछड़ा आयोग को ट्रिपल टेस्ट के जरिए ओबीसी आरक्षण तय करने को लेकर पत्र भेजा था। आयोग ने जून में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरी कर लेने का लक्ष्य रखा है। ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही झारखंड चुनाव संभव है। झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव की माने तो अब सूबे में आचार संहिता समाप्त हो चुका है। जल्द ही पिछड़ा वर्ग आयोग राज्य सरकार को ट्रिपल टेस्ट के लिए पत्र लिखेगी। सभी जिलों में उपायुक्त के माध्यम से ट्रिपल टेस्ट करवाया जा सकता है। उम्मीद है अगले 2 महीने में चुनाव कराने को लेकर ठोस दिशा की तरफ कदम बढ़ाया जाएगा। राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का भी गठन किया है और उसके बाद आचार संहिता भी लग गया। उनको बहुत समय मिला नहीं था, लेकिन अब चूंकि आचार संहिता समाप्त हो चुका है तो हमको लगता है कि इसी हफ्ते में 1-2 दिन के अंदर पिछड़ा वर्ग आयोग, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि वो राज्य सरकार को लिखेगी कि ट्रिपल टेस्ट के लिए जिला के उपायुक्तों के माध्यम से कर ले, क्योंकि कोई एजेंसी से करवाने से बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ पड़ेगा जो नगर विकास विभाग को ही लेना है। तो उससे बेहतर है कि जिला सक्षम होता है और इसमें केवल शहरी क्षेत्र का ही जनगणना करना है तो 15-20 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमको उम्मीद है कि आगामी 2 महीने के अंदर हम इस दिशा की ओर ठोस तरह से बढ़ पाएंगे कि हम अपना नगर निकाय का जो लंबित चुनाव है वो पूरा कर लें। वहीं अब तक निकाय चुनाव ट्रिपल टेस्ट की वजह से टलने पर बीजेपी विधायक और सूबे के पूर्व नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा, राज्य सरकार की इच्छा निकाय चुनाव करवाने की है ही नहीं, वो प्रशासन के भरोसे निकाय चलाना चाहती है ताकि सत्ता उनके हाथ में डायरेक्ट रहे। निकाय चुनाव नहीं होने के कारण राज्य को केंद्र से राशि भी नहीं मिल रही है। राज्य सरकार की इच्छा होती तो चुनाव जरूर करवाती। सरकार की इच्छा निकाय चुनाव कराने की नहीं है, वो प्रशासक के भरोसे निकाय चलाना चाहती है ताकि सत्ता उसके हाथ में डायरेक्ट रहे। यदि नियत होती तो ये ट्रिपल टेस्ट पहले करा लिए होते। आखिर जो हमारा ओबीसी है, समाज है, उसका आरक्षण इसके चलते दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ओबीसी समाज बहुत बड़ा समाज है और उसी को यदि प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा। वैसी स्थिति में ये भी लटकाने का काम करेगा। मैं कहता हूँ कि भाई आज निकाय चुनाव नहीं होने के कारण आम जन परेशान है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि झारखंड को केंद्रीय राशि जो मिलती है वो नहीं मिल पा रहा है। झारखंड में ट्रिपल टेस्ट के अभाव में निकाय चुनाव टलता रहा है। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद ही उम्मीद है पिछड़ा वर्ग आयोग जल्द ही ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करेगी ताकि निकाय में ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित हो सके और निकाय चुनाव की प्रक्रिया भी पूरी हो सके। रांची से वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ कुमार चंदन।